गई काले गोधरामा अमानवीय अत्याचार थयो। 40 जेटली बहनों अने बाळकों ने जीवता सळगावी देवामां आव्या। 18 पुरुषों ने सळगावी देवामां आव्या। 58 लोगों ने रेलवे ना डब्बा में एक साथे नराधमोए कूटी पाड्या। मानवताना इतिहास में आ भयंकर कृत्य कठोर में कठोर मानवी ने पण रड़ावी देनारू छे। गुजरात नी धरती पर थयेलू आ दानवीय कृत्य, आ मानवता विरुद्ध नू राक्षसी कृत्य, कोई पण सभ्य समाज ने न शोभे एवू आ कृत्य क्यारे माफ न करी शकाय एवू आ कृत्य छे। गुजरात ना नागरिकों ने विश्वास आपवा मांगू छू कि आवी कोई घटना ने गुजरात सांखी नहीं ले। गुनेगारों ने एमना पाप नी पूरेपूरी सजा मळशे। एटलू ज नहीं, दाखलो एवो बेसाडवामां आवशे कि भविष्य में कोई ने पण आवु पाप करवानु स्वप्ने मन न थाय। गुजरात नी सरकार सामान्य नागरिक नी रक्षण माटे छे। कायदो हाथ में लईने निर्दोष नागरिकों ना जीवन ने तबाह करना लोगों माटे सभ्य समाज में कोई स्थान न होई शके। गुजरात ना नागरिकों ना दुख में सहभागी छो। कोई पण मानवतावादी ने व्यक्ति ने बनेल घटना नु दुख अपार छे, परंतु अशांति, असंयम, आक्रोश आ कोई उपाय नथी। कायदा ने सामे तोफान क्यारे क्यारे समाज नु भलू न करी शके। आपनी लागणी हूँ समझी सकू छु, परंतु हूँ आपने करबद्ध प्रार्थना करू छु कि आजे समय छे शांति नो, आवश्यकता छे संयम नी। जेमणे पाप कर्यु छे एमने सजा करवा माटे आपणे कृतसंकल्प छीए। कोई बची नहीं शके। शुं आप गुजरात ने बचावा माटे मदद न करी शको? शुं शांति नी रक्षा में आप मारी सहायता न करी शको? गुजरात सरकार आपनी पासे मदद मांगे छे, शांति माटे नी, संयम माटे नी। आपना आक्रोश वच्चे पण आपने मारी प्रार्थना छे कि आजना समय गुजरात ने जे विशेषता छे, गुजरात विपरीत परिस्थिति में पण संयम अने शाळवी शांति जाळवाना अनेक उदाहरण छे। आपना ए भव्य भूतकाळ ने याद करावुं छुं। शांति अने संयम द्वारा आओ आपणे सौ गुजरात की सेवा करिए, कायदाना हाथ मजबूत करिए, गुनेगारों ने भयंकर में भयंकर सजा करवा माटे वातावरण बनावीए। अने मने विश्वास छे कि मारी आ लागणी सभर वात आपना हैयाने स्पर्श छे। जे बन्युं छे एनो आघात सरकार में बैठेला कोई ने पण तमारा करता ओछो नथी। तमारू दुख जेटलू तीव्र छे एटलू दुख आपणा सौनुं छे। स्वयं प्रधानमंत्री पण डगले ने पगले आ घटनाथी चिंतित छे। भारतना गृहमंत्री पण चिंतित छे। समग्र देश गुजरातना दुख में सहभागी छे, परंतु शांति अने संयम जाळवानी जवाबदारी आपणी छे। आपनो आक्रोश, आपनो गुस्सो हूँ समझी सकूं छुं, आपनो दर्द हूँ समझी सकूं छुं, तेम छतां गुजरात ना हित खातर आवती काल ने गुजरात रोड़ाई न जाए एटला माटे, गुजरात ना माथे कोई काड़ी टीली न लागे एटला माटे 5 करोड़ गुजरातीओ शांति ने संयम जाळवी आवश्यक छे। मारे आपनो आभार पण मानवो छे कि आटला बधा आक्रोश वच्चे पण 18,000 गुजरात ना गामडामांथी गण्यागाठा गामोमां ज घटनाओ बनी छे। घणुं करीने शांतिनुं वातावरण रह्युं छे, परंतु गुजरातना हार समाज केटलाक नगरों में जे घटना बनी छे एनाथी चिंता उपजे छे। आपने मारी विनंती छे अने वेर वेर थी शमतो नथी। हुं उपदेश आवा नथी आव्यो, हुं तो आवती कालना भविष्यने जोई शकुं छुं, एटला माटे आपनी मदद मांगवा आव्यो छुं। आओ शांतिना मार्गमां सरकारनी मदद करो। सरकार मदद मांगे छे कायदा द्वारा गुनेगारोने सजा करवा माटे। सरकार आपनी मदद मांगे छे शांतिना वातावरण में कोई पण चमरबंदी
ને સજા સુધી લઈ જવાનું વાતાવરણ બનાવવા માટે મને વિશ્વાસ છે ગુજરાતની જનતા અમારી આ લાગણીને માનશે અને શાંત ગુજરાતની દિશામાં આપણે સૌ મળીને આગળ વધીશું. નિર્દોષોના જાન ન જાય એ જવાબદારી આપણી છે. આવો સાથે મળીને શાંતિની દિશામાં પ્રયાસ કરીએ. ફરી એકવાર આપના દુઃખમાં હું પૂરી તરહ સહભાગી છું. માનવ મનને લાગેલા અધ્યાત્મા હું આપની સાથે છું, પણ તેમ છતાં કાયદાને મજબૂત બનાવીએ જેથી કરીને ગુનેગારોને અકલ્પ સજા કરાવી શકીએ, ઇતિહાસમાં ન બન્યું હોય એવો દાખલો બેસાડી શકીએ. હું ગુજરાતની જનતાને ફરી એકવાર શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરું છું. જય જય ગરવી ગુજરાતનો મંત્ર જીવંત કરવા માટે આવો શાંતિના માર્ગે ચાલીએ. ધન્યવાદ.